से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब जेपीजी से कैसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। एक से अधिक आपके पास जेपीजी है, उसको आप पीडीएफ में इस तरह से कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, मैंने कुछ आपको जेपीजी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हो, तो इसको आपको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले जेपीजी ओपन कर ले। तो यहाँ पे देखिए, मैं कुछ जेपीजी आपको ऑलरेडी डाउनलोड करके रख दिया। आप जो जेपीजी को करना चाहते हैं उसको इस तरह से रख देना। देन यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा कैसे आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो जेपीजी है इसको मेरे को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। देन यहाँ पर लिखना है जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर। लिखने के बाद आपका पहला आपका वेबसाइट आ जाएगा, इसी वेबसाइट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट जेपीजी इमेज, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो जहाँ पे जेपीजी रखा है वो जेपीजी को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा ए वाला जेपीजी को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए, जैसा ही ऐसा करेंगे तो ये आपका फर्स्ट पेज हो गया, ये आपका सेकंड पेज। तो इसको आप चाहते हैं तो इस तरह का आपका घुमा भी सकता है रोटेशन पे। आपको अगर फ़ोटो पहले रखना है तो फ़ोटो रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स पहले रखना है तो डॉक्यूमेंट्स भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आप जैसा कंफर्टेबल है उस तरह से आप करके इसे यहाँ पर कन्वर्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट टू पीडीएफ में। अगर चाहते हैं जी यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है तो प्लस आइकन में दबाना है और यहाँ पे फिर से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो देखिए ये चार पेज बन गया है। अभी इसको आप क्या कर सकते हैं, इधर उधर भी कर सकते हैं, पेज को रिसाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं जो पहले फ़ोटो हो या पहले डॉक्यूमेंट्स हो रिमूव करना है तो आपका क्रॉस बटन दिख रहा है, इसको क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर फिर से ऐड करना चाहते हैं तो प्लस आइकन को दबाना है और ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो फिर से आपके पास ये ओपन हो जाएंगे। देन इस तरह से आप साइज़ भी कर सकते हैं, एक दो पेज में कौन सा पीडीएफ रखना है। देन नीचे आपका कन्वर्ट टू पीडीएफ में जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड आपका टाइम लेगा, ये आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे देंगे बहुत इजी तरीके से। देन यहाँ पे आपका डाउनलोड वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम ले लेंगे। देन यहाँ पे आपका डाउनलोड हो गया। अभी इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो डाउनलोड ऑप्शन है इसमें क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको दिखाता हूँ ये पीडीएफ आपको किस तरह से बना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया है, अभी इसको मैंने ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का आपका पीडीएफ बन के रेडी हो गया है। डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो इस तरह का कुछ बन के रेडी हो गया है। तो देखिए बहुत इसी तरीके से आपको बताया दोस्तों, इस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो चले दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।